राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जो चौसर है, कह सकते हैं चुनावी चौसर, वो बिछ चुकी है कुछ ही दिन। और कुछ ही दिन के बाद में पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता के दिल में आखिर कौन है, किसके हाथ में राजस्थान की बागडोर दी है। और इसी कोशिश में फर्स्ट इंडिया है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाए, वहां के चुनावी समीकरण, चुनावी इतिहास को खंगाले और एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को भी खंगाले कि जिन मुद्दों पर, लुभावने वादों पर एमएलए आए थे, क्या उस पर काम किया या मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और आज हम आ चुके हैं आदर्श नगर विधानसभा सीट पर और यहाँ पर जानेंगे कि एमएलए ने कितना कुछ काम किया, किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी, चुनाव सही हुआ था या नहीं हुआ था और इस बार जनता आखिर क्या चाहती। नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और आज हम वास्तव में पहुंचे हैं जयपुर के मुख्य द्वार पे, जहां से कह सकते हैं जयपुर की शुरुआत होती है, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। यहां पे कभी भाजपा का कब्जा रहता है तो कभी कांग्रेस है, वो जीत यहाँ दर्ज करती है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आदर्श नगर में किस तरह से विकास के काम हुए, यहाँ के जो मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, जनता क्या सोचती है, जनता किन मुद्दों के आधार पर आगे वोट देना चाहती है, क्या आदर्श नगर के लोग सोचते हैं किस तरह का आदर्श नगर होना चाहिए और क्या अभी तक जो नाम है तृप्ति उसके अनुसार ये आदर्श बन पाया है, यही हम बात करते हैं यहाँ के मौजूद लोगों से और यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे। यहाँ पे अभी जो मौजूदा विधायक है वो कांग्रेस के है, रफीक खान। कहते हैं कि जब रफीक खान ने यहाँ से दावेदारी की थी तब अनजान से व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई कांग्रेस के नेता के रूप में, लेकिन उनके काम कैसे रहे ये हम जानते हैं। रफीक खान के अगर पिछले 5 साल की बात करें हम, तो क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं, किस तरह के काम रहे, कौन से यहाँ विकास के कार्य हुए होंगे जो आपके ध्यान में हैं? सर, रफीक खान साहब ने 2018 में इलेक्शन जीता था और यहाँ से हमने भाजपा से सीट कांग्रेस के हक में ली थी। 2018 से लेके अगर अपन बात करें काम की, तो काम की शुरुआत अपन वहीं से करते हैं जहां अपन खड़े हुए हैं। अभी अपन जिस जगह खड़े हुए हैं इसका नाम है ये अंबेडकर भवन। इसका निर्माण पूरी तरीके से रफीक खान साहब ने कराया। इसके बगल के एरिया में आ जाते हैं जहां 96, 97, 98 वार्ड लगता है। पिछले 40 साल से यहाँ की जनता पानी के लिए त्रस्त थी। रोज़ पानी के लिए बुजुर्ग महिलाओं को, बहनों को नीचे आना पड़ता था सड़क पर और पानी भरती थी। जिस दिन पानी की कमी हो जाती थी उस दिन आए दिन ये रोड जाम कर दिया जाता था, हाईवे जाम हो जाता था। जब हम लोग यहाँ पे कन्विंसिंग करने गए तो हम लोगों को सब ने यही बोला कि हमें विकास चाहिए, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमारे पास आज 40 साल से हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, हम गंदे नाली के में से पाइप निकाल के पानी भरते हैं। तब हम उनको प्रॉमिस करके निकले थे कि हमारा सबसे पहला काम जो होगा आपके क्षेत्र में आप लोगों को पानी पिलाना होगा। और हमने जैसे ही इलेक्शन जीता 2018 में और 2019 24 फरवरी के दिन हमने यहाँ पे शिलान्यास कर दिया था बीसलपुर पानी के लाइनों का। आज हर घर में हमने पानी पहुँचा दिया, हर गली में आप जाके चेक कर सकते हैं, बात बोलने की भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। हर गली में हमने सड़कें बनाई है, 96, 97, 98 के हर गलियों के अंदर लाइटें हमने लगा दी। जिस तरीके से बस्ती वालों का जीवन काफ़ी नीचे स्तर पर चला गया था उसको हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको ऊपर उठाए। अब इसके बाद हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे ये टनल उठल के ये नीचे जाता है आगरा रोड पर। आगरा रोड पे कम से कम 80,000 पॉपुलेशन रहती है जिसमें से 55,000-60,000 वोटर हैं, लेकिन वहाँ पे पीने के लिए बीसलपुर का पानी आज तक नहीं पहुँचा था, ना ही सीवरेज लाइन पहुँची थी। हमने आगरा रोड वालों को बीसलपुर का पानी दिया और अभी 15 दिन पहले ही हमने 270 करोड़ का सीवरेज का उद्घाटन किया। पानी और सीवरेज के जो काम है उनके ज़्यादा होने का दावा किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी काम यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि नाम आदर्श नगर है तो कोई भी क्षेत्र आदर्श जब बनता है जब महिलाओं की भागीदारी उसमें प्रमुखता से होती है, हम जान लेते हैं। अगर महिलाओं के अनुसार हम बात करें तो किस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं, क्या आप संतुष्ट है या आपको लगता है कि अभी बहुत से काम होने बाकी है? मैं संतुष्ट हूँ काम से, विधायक साहब रफीक खान की जो काम किए उन्होंने। एक महिला की अगर मैं बात करूँ तो महिला को क्या चाहिए, घर में राशन आना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी भरना, भर के लेके जाना तीसरी चौथी मंजिल पे वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे और पहले भी नहीं था। खैर, और दूसरा चाहिए कि भाई बच्चों की एजुकेशन, जितने भी सरकारी स्कूल है उनको महात्मा गांधी स्कूल में कन्वर्ट करना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करना। तो आज बस्ती के बच्चे भी अगर वहाँ पढ़ रहे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल की बराबरी पूरी कर रहे हैं। और आज मतलब ये सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करने के बाद जो एक कॉम्पिटिशन शुरू किया है वो बहुत बड़ी बात है। और जो ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे
सैटेलाइट जैसे सरकारी, तो ये पहले 8 ही थे, 9 और खोल दिए इस विधानसभा में, क्योंकि जगह जगह पे अगर हॉस्पिटल होते तो सुविधा बहुत मिलती है और महिलाओं के कुछ ना कुछ बीमारियां रहती है और आए दिन कहीं ना कहीं बीमारी ऐसी होती है कि उसके लिए हॉस्पिटल आगरा रोड पे जैसे हॉस्पिटल नहीं थे। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है ये इनका दावा है, लेकिन बात हम करते हैं उन युवाओं से भी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको क्या लगता है पिछले साल के जो कार्यकाल है उसमें यहाँ आदर्श नगर में कितना काम हुआ होगा, किस तरह की ज़रूरतें यहाँ के लोगों को है? सर, चुनाव एक व्यक्ति ने जीता था और जनता हार गई थी। हार ऐसे गई थी कि हमारे यहाँ पर 4 किलोमीटर के अंदर 8 ठेके हैं, यानी हर 500 मीटर पे एक ठेका है। अवैध यहाँ 300 कम से कम वो है जगह, और इसमें के कम से कम या इतने केस होंगे थानों में, अपन चेक करेंगे हर थाने में 50 केस है। हमारे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो सिर्फ वो पौवा देखते हैं या संडे संडे सड़ी को पड़ा हुआ देखते हैं, ना तो उनको स्कूल दिखाई देती कभी। और उधर रहने वाले विधायक साहब जो हमारे इतनी दूर रहते हैं, उनके घर के आसपास में तो फिटनेस सेंटर है, हमारे वाले बच्चे सिर्फ नशेड़ियों को देखते हैं, उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं है। तो अब उनका भविष्य आप निर्धारित कर ले, मैं नहीं। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या बताई है और साथ में तृप्ति संकेत संकेत में एक बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि जो विधायक है वो दूर रहते हैं, यहाँ के स्थानीय नहीं है, बाहरी एक जो ठप्पा उन पर लगा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन और आगे किस तरह से यहाँ पे आदर्श नगर की जनता सोचती है, और भी यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि किस तरह आदर्श नगर के लिए काम हुआ है, क्या वो संतुष्ट हो उस काम से? बिल्कुल, 2008 के परिसीमन के बाद बनी ये सीट, दो बार लगातार जीती भाजपा, तो जरा भाजपा से ही जान लेते हैं। दो बार लगातार जीती, लेकिन जीत की हैट्रिक क्यों नहीं कर पाई? ऐसा कौन सा काम था जो भाजपा नहीं कर पाई और जनता ने स्प्लिट कर कांग्रेस पर राज जताया? भाजपा के दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे और दो बार विधायक रहे, और एक बार जयपुर के सबसे पहले महापौर बने श्री अशोक परनामी जी, यहाँ से विधायक थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने काफ़ी काम कराए, विकास के काम जो ये अभी बता रहे हैं कि आगरा रोड पर जितनी भी सड़कें, जितनी भी नालियाँ, सड़कें, रोड, जितनी भी लाइटें वगैरह का जो काम हुआ, जो भी विकास का काम हुआ है, वो अशोक परनामी जी के समय पर हुआ हुआ है। बीसलपुर की लाइन के लिए इन्होंने कहा कि बीसलपुर की लाइन अभी हमारे विधायक साहब लेके आए हैं। सड़कों का हाल ये है, जो सड़कें छूटी हुई थी आज तक वो सड़कें बनी नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का काम आज तक चालू नहीं हुआ, लाइटों का काम चालू नहीं है, लोग परेशान हैं। परिसीमन के बाद इतनी ज़्यादा परेशानी है लोगों को वहाँ पर कि बहुत हताहत है पब्लिक, और ये जो भारी मतलब का टप्पा। साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जितने भी बातें अभी कांग्रेस समर्थकों ने की आप सबको नकारते हैं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। चलिए रुकिए, मैं जरा ये जानना चाहूंगी, जब यहाँ पर भाजपा थी पहली बात तो उन्होंने सारे काम नकार दिए कि पानी की बात उन्होंने की, सीवरेज की बात उन्होंने की, उनसे भी सवाल किया जाएगा कि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य है कि सवाल भी यहीं पर हो, जवाब यहीं पर मिले। जरा जब भाजपा यहाँ पर थी तो कितने काम यहाँ पर विधायक के द्वारा किए गए? देखिए, विधायक ने सरकार में रहते हुए और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो अपनी हदें थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इतना जरूर है कुछ कमियां विशेष रही होंगी हमारी, जो कैसे भी हो सकती हैं। 5 साल से हमारी जो है बच्चियों के लिए स्कूल मांग रहे हैं साहब। आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए सर, जैसा चाचा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, जिस स्कूल के लिए कह रहे हैं वो स्कूल ठीक है, बनना चाहिए था, लेकिन उस स्कूल की जमीन पर इन्हीं के भाई बंधुओं ने कब्जा कर रखा है। ये पेड़ दिख रहा है वही जमीन है, ये पेड़ वाली जमीन है, वो लाइब्रेरी बनी हुई है, वो सामने स्कूल बना हुआ है, 10 लाख रुपए हमने सेंक्शन कर दिए, एमएलए साहब ने क्लियर इनको 100 आदमी बुलाकर ये कह दिया कि मुझे बता दो इस जमीन पे बनाना है स्कूल या इस जमीन पे बनाना है। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, गार्डन बना दिया इनका, ठीक है, नाला पाट रहे इनका, जनता क्लिनिक खोल दिया आजाद नगर में, ठीक है। उसके अलावा जो भी इन्होंने आज तक मांगा है, स्कूल का मुद्दा ऐसा रहा, मेन स्कूल का, और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ स्कूल का, स्कूल का मुद्दा ये रहा, इन्हीं के भाई बहन ने, खास चाचा रायो के लड़कों ने के कब्जा कर रखा है। एमएलए साहब ने ये कह दिया कि हमें सेटिस्फाइड करके बता दो कौन सी जमीन पे बनाना है। मुद्दा यहाँ पे रहा है स्कूल के मुद्दे पे हम लगातार बात करते हैं, लगातार हम जो बात यहाँ पे करें, आप बताइए यहाँ पे किस तरह के जो मुद्दे हैं वो यहाँ हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो विधायक ने कुछ क्षेत्रों में काम नहीं किया, स्कूल को लेके कुछ समस्या है, क्या करना? विजय साहब ने ना बहुत अच्छा काम किया, कच्ची बस्ती में पानी नहीं आता था, पानी लाइन लगा दी, पानी नहीं था, छह बोलने लगा दिए, रोड बना दिए, लाइन बना दी, डिस्पेंसरी बना दी, काम हुआ है। हम यहाँ के जो, और आप बताइए आप किस तरह को देखते हैं इस पूरे? मैंने 40 साल से राजनीतिक इतिहास में जुड़ा हुआ हूँ,
मैं किसी पार्टी की नेता की आलोचना नहीं कर रहा, ना उसकी बड़ाई कर रहा। पिछले 20 साल से आदर्श नगर पर भाजपा के विधायकों का कब्जा रहा है, लेकिन आप पूरे आदर्श नगर में घूमें, देखें कि जो डेवलपमेंट इस 5 साल में हुआ है, ऐसा डेवलपमेंट हमने कभी देखा ही नहीं आदर्श नगर। समस्या है वो आम लोगों की है, समस्या आम जनता की है। और इस तरह से देखिए, जब अच्छे मुद्दे सामने आएंगे, लोग अपने रिएक्शन रखेंगे, तो हो सकता है उनका हल भी निकले। जो मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, जो पहले जिन पर वादे किए थे, अगर वो पूरे नहीं हुए तो लोगों का गुस्सा होना तो बनता है। तो यहाँ पर और भी बातें जरा जान लेते हैं, जितनी बातें यहाँ पर की गई थी क्या वो सारी आप मानते हैं? पानी और सड़कों को लेकर बात कर चुके, पार्क बनवाना, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना, उनको लेकर क्या स्थिति है? कांग्रेस ने किया काम, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। झूठे वादे, झूठे जो एक्नी घोषणाएं, झूठी जो एक्नी तख्तियां लगा करके दिखाया जा रहा है। स्कूल नहीं खुला, जो को जो एक्नी कुछ नहीं है, स्कूल नहीं खुला, स्कूल कोई एकाध खुले हुए, पहले से खुले हुए हैं, उनके केवल नाम बदल दिए गए हैं, केवल नाम बदल दिए हैं, स्कूल वही है और उन स्कूलों के अंदर कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ पर बात कर लेंगे, सौंदर्यकरण को लेकर कहा गया था कि आदर्श नगर जो है वो आदर्श बन चुका है, क्या कहेंगे, सही है गलत है? मैं कहता हूँ आदर्श नगर आदर्श नहीं बना है। ये स्कूल खोलने की बात करते हैं कि हमने स्कूल खोले, इनसे पूछा जाए कि नए स्कूल कितने खोले गए, एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, सब पुराने स्कूल हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जनता क्लिनिक की बात यहाँ पर अभी की गई थी, जनता क्लिनिक खुला है, लोगों के राहत के लिए खुला है, क्या कहेंगे, काम नहीं हो रहा ढंग से? जनता क्लिनिक हमने तो कहीं देखा नहीं है, जनता क्लिनिक कहीं हमने देखा नहीं है। बात जब MLA के रिपोर्ट कार्ड की जाती है तो वो सारे ही काम सुने जाते हैं, गिनाए जाते हैं जो उन्होंने वादे किए थे, और कितने पूरे हुए और कितने जैसे के तैसे बने रहे, कह सकते हैं अधूरे रह गए, छूते रह गए। सारे काम यहाँ पर गिनवाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, भाजपा नकार रही है कामों को कि वो काम नहीं हुए। सच्चाई क्या है जनता को पता है, जनता तय करेगी कि इस बार इस जगह की जो जीत है वो किसके सर माथे रखनी है। तो जरा कांग्रेस से और काम जान लीजिए कि कितने काम यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए काम आगे जाने हम तृप्ति, उससे पहले हमने लगातार अब तक बात की है, उसमें देखा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, सीवरेज हो, कच्ची बस्ती हो, ये तमाम मुद्दे, कानून व्यवस्था, जिस पे जनता ने अपनी बात खुल के रखी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदर्श नगर के और क्या मुद्दे हैं हम आगे भी जानते रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हम हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही थी समर्थकों से, उनसे ये भी जाना कितने काम हुए, कितने अछूते रह गए, अधूरे रह गए, क्योंकि डिबेट है, तो यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरुआत से ही जारी है। शो की शुरुआत में जो काम पूछे गए थे उसको लेकर भी बोला, कह सकते हैं महज कुछ दिन और कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि जनता ने किसके काम को पसंद किया है, जो MLA ने यहाँ पर वो काम किए थे वो पसंद किए हैं, या लोक लुभावने वादे जो अब हो रहे हैं उनको लेकर जो यहाँ पर वोट है वो दिया है। फिलहाल जरा बात कर लेते हैं उन स्थानीय मुद्दों की, राजनीतिक बातें हमने यहाँ पर कर ली, चुनाव सही हुआ था, गलत हुआ था, जनता ने चुनाव उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर माहौल रहा, अब जरा बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर जो काम MLA ने करवाया उससे जनता खुश कितनी है। बिल्कुल तृप्ति, देखिए आदर्श नगर है वो हॉट सीट कहलाती है, और इसी कारण यहाँ के जो लोग हैं उनमें जोश भी ज़्यादा दिख रहा है, उत्साह भी ज़्यादा दिख रहे हैं, सब चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुखता से रखे जाएँ। चूँकि महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है, महिला शक्ति जो है वो भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी बड़ी भूमिका निभाती है, तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी, हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि पिछले जो 5 साल या इससे पहले किस तरह के काम यहाँ पे हुए हैं, और खासकर आप क्या चाहते हैं किस तरह के काम आगे होने चाहिए? रफीक खान बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, पहले हम BJP में थे, हमारा ना रास्ते का प्लॉट रोक दिया, खूब कोशिश करी हमने, लेकिन है ना हमारा कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन आज रफीक खान के पास गए तो उन्होंने हमारा रास्ते का समाधान निकाला है और रास्ता जरूर निकालेंगे। और खूब अच्छा काम किया है उन्होंने, जैसे नड़ पानी नहीं आता था हमारे, तो वहाँ विसलपुर की लाइन डाली है, पानी आ रहा है, सड़कें खराब थी, सड़कों का काम करवाया है, लाइटें नहीं थी तो लाइटें लगवाई है, कॉलेज बनवाए हैं, डिस्पेंसरी में हॉस्पिटल सुविधाएँ दवाइयों की, और क्या नाम से स्कूल खुलवाएँ, बहुत सुविधा करवाई और आगे तक करवाते रहेंगे। महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए आगे, क्योंकि आप महिलाएं हैं यहाँ पे, आप क्या जानते हैं किस तरह काम आगे होने चाहिए यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा? बिल्कुल, देखिए अभी खुल के बोलने में वक्त लगेगा, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात और है कि तृप्ति, इस विधानसभा क्षेत्र में अब आम आदमी पार्टी है, वो भी जो है इस चुनावी दंगल में आना चाहती है, तो वहाँ उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह के जो लोग सोचते हैं, क्या लगता है इनको, क्या अब चूँकि आपके जो जो प्रतिनिधि है वो भी
यहाँ से अब मैदान में हैं, किस तरह के मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? सर, आम आदमी पार्टी सर हमेशा से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को लेकर हमेशा से इन मुद्दों को उठाती रही है। और देखा जाए तो सर यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर हमेशा से, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी वो हो जो दिल्ली और पंजाब के लोगों को सुविधाएँ मिल रही है, वही सुविधाएँ जो राजस्थान के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों की इसीलिए बात कोई नहीं करता है, तो हमारे बच्चों का भविष्य कब सुधरेगा, कब हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, कब हमारे बुजुर्गों के जैसे हॉस्पिटल कब बनेंगे, आज लाइनों में लगना पड़ता है हमें घंटों, तो इसकी बात कोई नहीं करता। आज कोई सच्चाई बोलता तो उस पर गर्म हो रहा है, ये सच्चाई बोलते तो ये गर्म हो रहे। सबसे बड़ा मुद्दा आदर्श नगर में ही है, खुलेआम क्षेत्र में नशा बेचा गया है, इसमें खुलेआम बेची गई है, क्यों पाबंदी क्यों नहीं लगी? और छोटे छोटे बच्चे इसमें, ये बड़ा मुद्दा यहाँ उठ के आया है, नशे का जो मुद्दा है वो लगातार उठ के आया है। पहले भी ये बात आई है, खुलेआम नशा होता है, शराब की दुकानें खुली है, बच्चे नशों में जा रहा है, क्या ये मुद्दा, इसके लिए कुछ काम हुआ है या लगता है आपको कि हाँ ये कमी है यहाँ पर? देखिए, खूब काम हुआ है इन बातों पर। जिस तरह का विकास 2018 में जब यहाँ पर आए थे विधायक रफीक खान साहब विधायक बनके, ये आदर्श नगर विधानसभा पूरी पिछड़ी हुई विधानसभा थी, हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ, चाहे सड़क की बात करें, सीवर की बात करें। मैं चार दीवारी क्षेत्र से आता हूँ, पूरी चार दीवारी क्षेत्र में सीवर बहा करती थी, पूरी चार दीवारी क्षेत्र में सीवर बहा करती है, आज पूरे चार दीवारी क्षेत्र में सीवर। बिल्कुल, देखिए यहाँ हुआ है, एक मुद्दा यहाँ पे आया है, नशे का मामला यहाँ पे आया है, आपको लगता है कुछ यहाँ खामियाँ है, इसको दुरुस्त होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए साहब, एमएलए साहब ने हर चीज़ पे सख्ती की है, यहाँ के लोग लालच में है ना, अपने मुफाद के लिए लालच के लिए धंधा करते हैं और एमएलए साहब को बुराई देते हैं। एमएलए साहब ने हर चीज़ पे पाबंदी कर रखी है, इतना काम किया, इतना काम किया, 30 सालों में हमने नहीं देखा काम। किस्तों में प्लाट देते, जो रास्ता था आम रास्ता जो सोसाइटी ने दिखाया था, आज उसको ब्लॉक करके फर्जी पट्टा बना के दे दिया कैंडिडेट को। पट्टा और भूमाफिया का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया है तृप्ति, ये महत्वपूर्ण यहाँ जो मुद्दा है वो रहा है। लेकिन देखिए, अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की बात उठी है, कानून व्यवस्था को लेकर भी बात उठी है, काम हुआ है, काम होने बाकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। किस तरह के मुद्दे आदर्श नगर में हो सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पिछले चुनावों में मुद्दे थे क्या वो हल हुए, या आप वापस उन्हीं मुद्दों पर वापसी जो चुनाव है वो लड़ने वाले हैं? आप महिला हैं, गृहिणी हैं, घर को चलाती हैं, किस तरीके से इस बार के जो चुनाव हुए थे उनको देखती हैं, और आपकी पार्टी इस बार क्या कुछ महिलाओं के लिए करने वाली है? महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे पहले बात करूंगी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, और एक गृहिणी होने के नाते जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसका सबसे ज़्यादा सीधा प्रभाव पड़ता है महिलाओं पे, क्योंकि घर चलाती है महिला, और जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना, उससे महिलाओं को निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइए, 2018 में जो वादे हुए थे चिकित्सा क्षेत्र को लेकर, क्या वो पूरे हुए? और अगर नहीं हुए तो आपकी पार्टी कितना कुछ यहाँ पर एक्टिव रही थी कि इस बार जनता से वोट की अपील करेगी? मैं हमारे क्षेत्र में एक सेटेलाइट हॉस्पिटल है जो परनामी जी के टाइम पे बनाया गया था, उसकी ज़मीन भी हमारी कॉलोनी सिटी कॉलोनी वालों ने दी थी, उसके बिल्डिंग का निर्माण भी हमारी सिटी कॉलोनी वालों ने करवाया था। मौजूदा विधायक को हमने निवेदन किया था कि सारा काम हमने करके दे दिया है, आप केवल इस पर स्टाफ लगवा दीजिए ताकि लोगों को, आम आसपास के क्षेत्र के लोगों को सुविधाएँ मिल सके। वहाँ पर आप जाके देखोगे लंबी लंबी लाइनें लगती है, ना कोई पर्ची के काउंटर है, ना डॉक्टर है, ना इमरजेंसी में नाइट में कोई स्टाफ बैठता है। लोग बाग आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी लोगों को एसएमएस जाना पड़ता है। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको हल होना बेहद ज़रूरी है 2023? हमारे जवाहरनगर कच्ची बस्ती है, इसकी हमने, हम जब गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यहाँ से विधायक अशोक परनामी जी थे, तब हमने इसकी फाइल सेंक्शन करा के चालू कर दी थी। ठीक है, JDA में हमारी मीटिंग हो गई थी, सिर्फ इस फाइल को तैयार करके और दिल्ली भेजना था, वो दिल्ली ये आज 5 साल में नहीं भेज पाए। उस टाइम पर लास्ट मोमेंट में था, हमारा प्रक्रिया चल रही थी, सरकार चेंज हो गई थी, उसके बाद में इस जवाहरनगर कच्ची बस्ती, सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, इसको यहाँ की यहाँ यथास्थान बसाने की बात थी, तो हम लोगों ने सारी की सारी तैयारी करके दे दी थी JDA में। JDA में हमारी मीटिंग भी हो गई थी, मैं वहाँ से मौजूदा भी पार्षद हूँ, उसका कोई भी एक अक्षर भी इन्होंने तैयार करके दिल्ली नहीं भेजा। दूसरी बात आई कि पानी और बिजली की बात है, तो जवाहरनगर कच्ची बस्ती में तो पहले से ही पानी आ रहा था। जितनी बातें, एक जुमला जो मुझे शुरुआत से अब तक सुनाई दे रहा है वो ये है कि ये सारा काम भाजपा ने किया था, आगे का क्रेडिट कांग्रेस ने ले लिया। कांग्रेस कह रही है सारा काम हमने किया है,
क्रेडिट भाजपा ले रही है, तो किसकी बात में कितना दम है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो यहाँ पर जानेंगे। लेकिन फिलहाल जानेंगे वो मुद्दे जिसका होना बेहद जरूरी है, पार्टी कोई भी आए, क्योंकि उद्देश्य क्या है इस चुनाव का, कि जनता की मदद हो। तो जनता की मदद के लिए कौन से काम यहाँ पर होना जरूरी है, जरा वो पूछिए। बिल्कुल, देखिए चूंकि अब शो है वो आखिरी चरण में है, तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त में जो यहाँ के लोग है वो अपनी बात यहाँ कहे, मुद्दे जो है वो कहे जो जनता से जुड़े हो। व्यक्तिगत मुद्दे जो है वो कहीं भी बोले जा सकते हैं, लेकिन ये मंच है, हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे आप बात अपने संक्षिप्त रूप से कहें। अभी मेरे साथियों ने कहा सेटेलाइट हॉस्पिटल के लिए, इनको कुछ भी पता नहीं है उसके लिए, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, सेक्रेटरी हूँ। मेरे परिवार द्वारा 5 करोड़ रुपए लगा के गवर्नमेंट को डोनेट किया गया है। ये कहते हैं वहाँ स्टाफ नहीं है, गायनी की एक्स्ट्रा यूनिट मैं लेके आया हूँ, एक ऑपरेशन थिएटर मैंने बनाया है, आईज की यूनिट मैं लेके आया हूँ यहाँ, और ब्लड बैंक के लिए सरकार से मेरी लड़ाई चल रही है। हमने जाना है कि आदर्श नगर क्षेत्र के मुद्दे क्या है, जनता क्या चाहती है, कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम होना बाकी है। अब देखिए तृप्ति, जो लोकतंत्र का पर्व है इसकी खूबसूरती यही है कि लोग अपने मुद्दों को मजबूती से उठाए, और साथ में हम ये भी अपील करते हैं कि मतदान ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है कि मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने अधिकार का पूरा उपयोग करें, तभी ये लोकतंत्र है और खूबसूरत होगा, तभी आप अपने सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर शो की शुरुआत से ही लगातार बातचीत हमने की थी, सारी मुद्दों को हमने सुना था, ये भी जाना कि एमएलए ने जो लोक लुभावने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हो पाए, अछूते रह गए, अधूरे रह गए। और अंत में आते आते एक आपने अच्छी कही बात कही कि एक सुखद तस्वीर होती है कि यहाँ पर जो भी समर्थक मौजूद थे वो यहाँ का आमजन भी है, यहाँ पर रहता है और यहाँ की जो मुद्दे है, यहाँ की जो परेशानियां है वो सारी ही जानता है। तो लास्ट में हमने वो मुद्दे भी जान लिए जो यहाँ की जनता चाहती है, जिस पर काम हो, पार्टीबाजी नहीं, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वो सारे मुद्दे हमने जाने। और यही जो सिलसिला है वो फर्स्ट इंडिया का बहुत टाइम से जारी है, हर क्षेत्र में जाना, वहाँ के मुद्दों को जानना, सियासी बातों को समझना और जनता तक और वहाँ बैठी सरकारों तक पहुँचाना। तो ऐसा करते हैं कि हमारे सफर को यही रोकते हैं और बढ़ते हैं हमारे आगे के सफर की ओर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।